नमस्कार, ज्ञान विज्ञान में आपका स्वागत है। ब्रह्मांड के निर्माण से लेकर मानव विकास से जुड़ी हर चीज में विज्ञान है, जिसने हमारे कल को संवारा है, आज का निर्माण किया है और भविष्य की समझ पैदा की है। मैं हूं राकेश अंदानिया। हम पिछले एक दशक से आप तक विज्ञान के इसी ज्ञान को आसान तरीके से पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी सच्चाइयां जो हमारे पूर्वाग्रहों को दूर कर एक समझदार समाज का निर्माण करे। आज भी ऐसी ही कुछ जानकारियों के साथ हम हाजिर हैं, तो आइए चलते हैं ज्ञान विज्ञान के इस रोमांचक सफर पर। ग्लोबल वार्मिंग से पक्षियों के पैरों की बढ़ सकती है लंबाई। जी हां, चौंक गए ना, पर यह सच है। एक अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक शोध ने इस बात की संभावना पैदा की है। इस शोध में पक्षियों के शारीरिक तंत्र से जुड़े कई रोचक तथ्य उजागर हुए हैं, जिन्हें हो सकता है हम में से बहुत से लोग ना जानते हो। इन तमाम सवालों का जवाब ज्ञान विज्ञान की इस खास रिपोर्ट में है। लंबी चोंच, छोटी चोंच, पैरों के छोटे बड़े आकार, अपने रंग रूप से पक्षी जगत हमें यूं भी आश्चर्यचकित कर देता है। आमतौर पर हम समझते हैं कि ये प्रजातियों के अपने प्रकार हैं, जिनके चलते पक्षियों की शारीरिक बनावट अलग अलग होती है। ये तो सही है, लेकिन इसका एक कारण जलवायु भी है। कैसे, आइए समझते हैं। पक्षी विज्ञान के मुताबिक ये साबित होता है कि पक्षियों के रोएदार पंख उनके लिए रजाई का काम करते हैं, यानी ऊष्मा को रोककर उन्हें गर्म रखते हैं। लेकिन पक्षी अपने शरीर को ठंडा कैसे करते हैं, ये जानने के लिए डीकिन विश्वविद्यालय ऑस्ट्रेलिया के शोधकर्ताओं ने 14 प्रजाति के पक्षियों का अध्ययन किया और पाया कि जब शरीर की गर्मी ज्यादा बढ़ जाती है तो पक्षी अपनी ऊष्मा को चोंच के जरिए बाहर कर देते हैं, और जब ज्यादा ठंडक की जरूरत पड़ती है तो इस काम में उनकी मदद उनके पैर करते हैं, और ये होता है उनकी चोंच और पैरों में मौजूद असंख्य रक्त वाहिकाओं से। इनमें रक्त का प्रवाह कम और ज्यादा कर पक्षी अपने शरीर की गर्मी को नियंत्रित करते हैं। अब हुआ ऐसा कि इस प्रायोगिक ज्ञान को वास्तविक वातावरण में परखने के लिए विश्वविद्यालय की इवोल्यूशनरी इकोलॉजिस्ट एलेक्जेंड्रा मैकवीन ने प्राकृतिक आवासों में पक्षियों की थर्मल कैमरे से तस्वीरें ली। इन पक्षियों में ऑस्ट्रेलियाई वुड डक, बनफ्शी कीच मुर्गी और बेमिसाल परी पिद्दी सहित कई प्रजातियां शामिल थीं। तुलना करने के लिए उसी समय की हवा की गति, तापमान, आद्रता और सौर विकिरण भी मापा गया। इस अध्ययन से साबित हुआ कि गर्मियों में जब बाहर का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस या उससे ज्यादा हो जाता है तो पक्षी शरीर की अतिरिक्त गर्मी को निकालने के लिए अपनी चोंच और टांगों दोनों का उपयोग करते हैं, और सर्दियों में जब बाहर का तापमान बहुत कम हो जाता है तो पक्षियों की चोंच तो गर्मी छोड़ती रहती है लेकिन वो अपनी टांगों में रक्त प्रवाह को रोक लेते हैं या बहुत कम कर लेते हैं, जिससे उनके शरीर की गर्मी बनी रहती है। यही वजह है कि आमतौर पर उष्ण कटिबंधीय जलवायु में पाने जाने वाले पक्षियों की चोंच बड़ी और टांगे लंबी होती हैं, वहीं ठंडी जलवायु वाले क्षेत्रों में पक्षियों की चोंच छोटी पाई जाती है। इस अध्ययन से एक नया तथ्य भी सामने आया है कि जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, संभावना है कि पक्षियों की टांगें भी लंबी होती चली जाए। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि आप अपने घर में पले तोते में परिवर्तन तलाशने लगे। अभी इस संभावना को लेकर और भी अध्ययन किए जा रहे हैं, जिनसे पक्षियों के शारीरिक बदलाव की संभावना और जलवायु परिवर्तन के संबंध को बेहतर तरीके से समझा जा सकेगा। पूरी दुनिया बढ़ती आबादी की जरूरतों के समाधान पर काम कर रही है। इसमें पर्यावरण अनुकूल सतत कृषि भी एक बड़ा मुद्दा है। भारतीय शोधकर्ताओं ने इसी दिशा में एक नया शोध विकसित किया है, जिसके इस्तेमाल से उर्वरकों की खपत को कम कर उत्पादकता को बढ़ाया जा सकेगा।
क्या है ये नवाचार, जानने के लिए देखते ज्ञान विज्ञान की ये खास रिपोर्ट। कृषि उत्पादों की बढ़ती मांग ने खेती में उर्वरकों के इस्तेमाल को काफी बढ़ा दिया, लेकिन इसके प्रयोग के तरीके पर्यावरण अनुकूल नहीं हैं। आमतौर पर उर्वरकों को पानी में घोलकर सिंचाई के साथ या खुले तौर पर खेतों में डाला जाता है। इससे उर्वरकों का एक बड़ा हिस्सा वाष्पित होकर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। वहीं इसका ज्यादा इस्तेमाल करना पड़ता है, जो लागत को प्रभावित करता है। मंडी स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के शोधकर्ताओं ने इसका एक सटीक हल निकाला है। संस्थान के स्कूल ऑफ केमिकल साइंसेस के शोधकर्ताओं ने ऐसे बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर आधारित माइक्रोजेल विकसित किए हैं, जो उर्वरकों का रिसाव धीमा कर पर्यावरण और उत्पादन दोनों को फायदा पहुंचाने के साथ लागत को भी कम कर सकते हैं। We are developing polymer-based carriers that can help in achieving the slow release of fertilizers, both nitrogen-based fertilizers and phosphorus-based fertilizers, for a longer period of time. And this can help us to reduce the application of the fertilizers in the field. So we have developed the microgels that can release these fertilizers for longer time. आमतौर पर बेहतर फसल के लिए नाइट्रोजन और फास्फोरस आधारित खाद का इस्तेमाल किया जाता है। IIT मंडी के शोधकर्ताओं द्वारा विकसित प्राकृतिक पॉलीमर आधारित बहुक्रियाशील स्मार्ट माइक्रोजेल इन उर्वरकों के कैरियर के तौर पर काम करेंगे, जिन्हें मिट्टी में मिलाने के साथ साथ पौधों की पत्तियों पर भी छिड़का जा सकता है। यह उर्वरक को धीरे धीरे रिलीज करेंगे, जिससे पौधों को जरूरत के मुताबिक खाद मिलती रहेगी और उसका पर्यावरण पर असर नहीं पड़ेगा। चूंकि ये बायोडिग्रेडेबल हैं, इसलिए मिट्टी में समाप्त भी हो जाएंगे, इससे उर्वरकों की खपत भी कम हो जाएगी। The developed microgel system is environment friendly and cost effective, and it can be applied into the field just by mixing into the soil or by foliar application. This developed formulation can help us to reduce the recommended dose as compared to the conventional fertilizers, and this will help us to move towards the sustainable agriculture. अभी इस फॉर्मुलेशन का उपयोग मक्का की फसल पर किया गया है और शोधकर्ताओं को यूरिया की तुलना में ज्यादा बेहतर परिणाम मिले। प्रयोगशाला परीक्षणों के बाद बाजार में आने पर यह विधि कृषि को लागत प्रभावी बनाने के साथ भारत के सतत विकास में कारगर साबित हो सकती है। बौद्धिक विकास के साथ ही मनुष्य की विभिन्न प्रजातियों ने तकनीक के विकास में अपना अहम योगदान दिया। इन्हीं जिज्ञासाओं ने ऐसा आधार तैयार किया जिस पर आज की विकसित तकनीक खड़ी है। शुरुआती मानव के प्रयासों की यह जानकारी अपने आप में काफी रोचक और महत्वपूर्ण है। आज से हम अपने दर्शकों के लिए एक नए सेगमेंट की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें होगी उन आविष्कारों की बात जिन्होंने दुनिया बदल दी। शुरुआत करते हैं पत्थर के हथियारों के आविष्कार से। मानव के विकास की कहानी बहुत पुरानी है। इसका सटीक आकलन करना कठिन है कि प्रारंभिक मानव गुफाओं से कब बाहर आया, समूह में रहकर उसने कब जीवन आरंभ किया या कौन सा औजार कब विकसित हुआ। लेकिन इस प्रक्रिया का मूल्यांकन समय समय पर एकत्र किए गए पुरातात्विक साक्ष्यों के माध्यम से किया जा सकता है। मानव के विकास में समय की जरूरतों का विशेष योगदान रहा है। समय के साथ आदमी ने जंगलों में जानवरों का मुकाबला किया और बाद में फिर जंगलों को छोड़ सामुदायिक जीवन की राह ली। भोजन और सुरक्षा उसकी प्राथमिकता थी। इस यात्रा में प्रारंभिक मानव ने अपने परिवेश में उपलब्ध वस्तुओं का इस्तेमाल शुरू किया। पुरातत्व प्रमाणों से पता चलता है कि सबसे पहले मानव ने पत्थरों के औजार बनाए और इस्तेमाल किए। पुरातात्विक रिकॉर्ड में संरक्षित किए गए सबसे पुराने पहचाने जाने योग्य उपकरण ओल्डोवन पत्थर के उपकरण कहे जाते थे, लेकिन हाल ही में सबसे पहले इस्तेमाल किए गए औजारों को केन्या में तुर्काना झील के किनारे से खोजा गया,
जो लगभग 33 लाख साल पुराने माने गए हैं, और ये भी माना गया है कि इनको पूर्वी और दक्षिणी अफ्रीका में लगभग 23 लाख से 16 लाख साल पहले तक पाई जाने वाली होमो हैबिलिस प्रजाति से भी पहले की मानव प्रजाति ने इस्तेमाल किया था। प्रारंभिक पुरापाषाण कालीन औजार कोर औजार हैं, जो क्वार्टजाइट जैसे कठोर पत्थर के बनाए गए। इनमें चॉपिंग औजार, हस्त कुठार और क्लीवर यानी बड़े धार वाले चाकूनुमा औजार प्रमुख हैं। इसे तकनीकी विकास का प्रारंभ कहा जा सकता है, जहां मानव ने अपने उपयोग की चीजें और समाधान के तौर पर नवाचार की शुरुआत की थी। उपकरण निर्माण के विकास ने आरंभिक मानव जाति को ऐसे कई कार्यों को अंजाम देने में सक्षम बनाया जो पहले असंभव थे। इन उपकरणों के उपयोग से जानवरों की खाल उतारी जा सकती थी और खाल को इन औजारों की सहायता से साफ किया जा सकता था। मांस को काटकर विभाजित किया जा सकता था। भाले की नोक से शिकार करना अधिक कुशल हो गया। जानवरों से मिली खाल को कपड़े के रूप में इस्तेमाल करने के विचार ने मानव सभ्यता के विकास को एक नया आयाम दिया। धीरे धीरे इन औजारों का इस्तेमाल जीवन की दूसरी जरूरतों में भी होने लगा, जैसे खुदाई, घर बनाना आदि। इस तरह प्रारंभिक मानव ने अपनी पसंद के अनुसार भौतिक दुनिया को आकार देना शुरू कर दिया। और इस वक्त विज्ञान जगत में क्या कुछ नया हो रहा है, जानने के लिए नजर डालते हैं विज्ञान जगत की कुछ ताजा गतिविधियों पर साइंस एक्सप्रेस में। हालांकि ये सामान्य ज्ञान है कि पर्वतों की चोटियां नीचे की घाटियों की तुलना में अधिक ठंडी होती हैं, लेकिन वारमोंट विश्वविद्यालय द्वारा किए गए एक नए अध्ययन ने जंगलों और जलवायु के बारे में हमारी मौजूदा जानकारी को उलट दिया है। इकोलॉजी एंड एवोल्यूशन में प्रकाशित इस अध्ययन में ऐसे जंगलों का पता लगा है जो ठंडी वायु कूलिंग का अनुभव करते हैं। ये एक ऐसी घटना है जहां अधिक ऊंचाई की ठंडी हवा निचली घाटियों में चली जाती है और अपेक्षित तापमान उलट जाता है, यानी पहाड़ से घाटी की ओर उतरते उतरते हवा का तापमान गिरता जाता है। शोधकर्ताओं का कहना है कि तापमान में बदलाव के साथ हम वनस्पति में भी बदलाव देखते हैं, जिनका इन इकोसिस्टम्स पर पर्याप्त प्रभाव है। ये ठंडी हवा की पूलिंग मूल रूप से जंगल की संरचना कर रही है। यह नई खोज वन प्रबंधकों को जलवायु गर्म होने पर ठंडक में रहने वाली प्रजातियों को संरक्षित करने के लिए और उनकी रक्षा करने में मददगार हो सकती है। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु ने हाल ही में दीर्घायु नाम से एक मेगा अध्ययन लॉन्च करने की घोषणा की है। इस अध्ययन का उद्देश्य उम्र बढ़ने से संबंधित चुनौतियों से निपटने, स्वास्थ्य जीवन प्रत्याशा, स्वास्थ्य अवधि का विस्तार करना, नवीन अनुसंधान और प्रौद्योगिकी विकास द्वारा लंबी उम्र को बढ़ावा देना है। इस पहल के अंतर्गत बड़े पैमाने पर नैदानिक अध्ययन भी शुरू किया गया है, जिसमें कई IISc विभागों, चिकित्सकों, उद्योग, निजी शोधकर्ताओं को शामिल किया गया है। यह पहल मौलिक और व्यावहारिक अनुसंधान दोनों के माध्यम से उम्र बढ़ने की समझ को बढ़ाने और ऐसे समाधान विकसित करने का प्रयास करेगी जो जीवन की गुणवत्ता में सुधार कर सके। इस जटिल चुनौती का समाधान करने के लिए शिक्षा, उद्योग और स्वास्थ्य सेवा के विशेषज्ञों की एक बहुविषयक टीम को एक साथ लाया गया है। इसमें MS रमैया अस्पताल और बैंगलोर मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ने उम्र बढ़ने के बायोमार्कर्स की पहचान करने के लिए आधिकारिक तौर पर साझेदारी की है। शोधकर्ताओं के मुताबिक उम्र बढ़ने की जटिलताओं का अध्ययन करने के लिए जीवन शैली, संस्कृति, आनुवंशिकी और पर्यावरण सहित विभिन्न कारकों पर विचार करने का महत्व है। भारत के अद्वितीय जनसांख्यिकीय परिदृश्य के साथ मौजूदा दीर्घायु अनुसंधान काफी नहीं है। ये पहल इस क्षेत्र में काम करने वाले अलग अलग हितधारकों को एक साथ लाने और भारत की विशिष्ट और विविध आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विषय का पता लगाने का बेहतर प्रयास है। विज्ञान का सागर अथाह है और हमारे पास समय की कमी, लेकिन परेशान ना होइए, ऐसी ही नई पुरानी रोमांचक जानकारियों के साथ आपका ज्ञान बढ़ाने के लिए हम फिर हाजिर होंगे। अगर आपको यह कार्यक्रम अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें,
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे वैज्ञानिक सोच के साथ। नमस्कार।